मॉस्को में आयोजित भारत चीन की बैठक में चीन ने हमेशा की तरह ही पलटवार करके सारा मुद्दा भारत के कंधों पर ला दिया है। दरअसल भारत और चीन के बीच चल रहे बॉर्डर पर जमीनी अधिग्रहण के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ची वेई फेंगे ने SCO में बैठक कर कई मुद्दों पर बात की, लेकिन दो घंटे तक चली बैठक के अंत में चीन ने बॉर्डर पर चल रहे विवादों का सारा दोष भारत पर ही डाल दिया। भारत चीन विवाद को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि हालात काफी खराब हैं और इस स्थिति में हम भारत और चीन की मदद करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में NCB के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मीडिया से रूबरू होकर ये जानकारी साझा की है कि NCB ने रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के कोर्ट में पेशी के लिए तारीख दाखिल कर दी है। भारत में कोरोना के 68,432 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 86,432 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने एक बार फिर घुसपैठ कर भारत के नियमों की अवहेलना की है। प्रदेश में कांग्रेस के विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से 5 लड़कों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये घटना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीनी दौरे पर हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में आयोजित बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के नतीजों को लेकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम कोऑर्डिनेटर अमिता वाजपेयी ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के नतीजे आज यानी 5 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। मुंबई की माया नगरी से अभिनेत्री कंगना रनौत के शिवसेना पर पलटवार करने के मामले में शिवसेना प्रताप सरनाईक के ट्वीट पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन से उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल कंगना के एक ट्वीट पर शिवसेना के प्रताप सरनाईक ने आपत्तिजनक रिप्लाई कर दिया था, जिसके बाद से ही दोनों में विवाद हो गया। रूस में कोरोना वैक्सीन के परीक्षण को लेकर विश्व से उठी सभी आशंकाएं निर्मूल साबित होती दिख रही हैं। माना यह जा रहा है कि दहशत में जी रही इस पूरी दुनिया को इसी साल बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन सभी कायदों के साथ ये के परीक्षण में खरी उतरी है। अब देखना ये होगा कि ये कब तक पूरी तरह तैयार होकर बाजार में आएगी। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के एक नए बयान की वजह से एक बार फिर से लोगों की खरी खोटी सुनने को मिल रही है। इस बार एक्ट्रेस ने मुंबई की तुलना PUK यानी पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से कर दी है, जिसके बाद लोग कंगना को खरी खोटी सुना रहे हैं। अपने ट्वीट में कंगना ने शिवसेना लीडर संजय राउत पर खुलेआम धमकी देने का आरोप लगाया था, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई कभी वापस न लौटने को कहा था। मुंबई अब पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर जैसा महसूस क्यों हो रहा है? कंगना के इस बयान पर सेलेब्स के लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता हिमांश कोहली के कोरोना पॉजिटिव मिलते ही पूरी माया नगरी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इससे पहले हिमांश कोहली के माता पिता और बहन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जांच कराने पर हिमांश कोहली की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।